आज पूजा के लिए लाल फूल चाहिए था, इसीलिए मैं छत के ऊपर आई थी गुलाब लेने के लिए। ये देखिए मेरा छत के ऊपर का गुलाब। नीचे वाला गार्डन में ना फ्रेंड मैं सेमी का पेड़ लगाई थी, आप लोगों को मैं दिखाई थी पहले। एंड ये देखिए कुछ कुछ सेमी आया हुआ था तो इसको मैं तोड़ रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड कुछ कुछ अच्छे से आया नहीं था तो इसको मैं रख दूँगी, कल तोड़ूँगी उसको मैं। अच्छा लगता है गार्डन का कुछ फ्रेश तोड़ के सब्जी बनाओ तो। एंड ये देखिए मेरे को इतना मिला था सेमी। ये देखिए फ्रेंड कुछ पार्सल आया है, मैं दिखाती हूँ आप। ये फ्रूट वाला फोक मैं मंगाई थी शॉपसी से, साथ में मैं मोबाइल स्टैंड मंगाई थी। एंड ये देखिए कैसे टूटा वाला आया था, ये आप ऐसे रख सकते हैं। एंड ये है मोबाइल स्टैंड था, लेकिन ये टूटा वाला आया है। एंड यहाँ मैं डाइनिंग टेबल को डीप क्लीन कर रही हूँ। एंड जो कवर बिछाई थी ना फ्रेंड, उसको कवर को मैं चेंज कर दूँगी एंड नया वाला कवर डाल दूँगी। नया वाला डाइनिंग कवर लेके आई हूँ, अभी इसको बिछाती हूँ। ये देखिए ये नया वाला लेके आई थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Friend, finally, ये मेरा बिछा दी थी मैं। साफ सफाई का काम मेरा ऑलरेडी हो गया है एंड थोड़ा बहुत काम निपटा के भी अभी मैं जाके जाती हूँ, नहाती हूँ। बहुत देर हो गया, बाल देखे स्टिकी स्टिकी हो गया होगा। ऑयल लगाई थी कल रात को, मैं ऑयलिंग करी थी एंड अभी जाती हूँ सावरा वाल लेती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। एंड ये देखिए फ्रेंड मैं सेमी का सब्जी बना रही हूँ एंड ये सेमी बेसरा बना रही हूँ मैं। सेमी जो तोड़ के लाई थी इसको भी मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। सेमी बेसर फ्रेंड मैं ओडिशा स्टाइल में बनाती हूँ एंड जैसे ओडिशा में बनाते हैं ना वैसे बनाती हूँ। एंड साथ में मैं इसे बैगन एंड आलू डाल दी थी। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवेरे से तो मैं आप लोग को दिखाई, बहुत सारा काम मेरा ऑलरेडी निपट चुका है एंड अभी मेरा खाना भी बन रहा है आज। एंड ये बन रहा है मेरा सोयाबीन कैप्सिकम और थोड़ा सा बनना बाकी, थोड़ा सा बनेगा। एंड चलिए फिर फटाफट से जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं एंड मैं मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। सोयाबीन कैप्सिकम ना बहुत टेस्टी लगता है, किसी दिन आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी रेसिपी। दाल भी बन चुका है, सेमी भी, सेमी का सब्जी भी मेरा बन चुका है एंड अभी ये सोयाबीन का बना दूंगी। बाकी ये सब्जी मेरा बन जाएगा तो हो जाएगा मेरा खाना, लंच मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड बहुत गर्मी लग रहा है, मम्मी को ऑलरेडी मैं बोल रही हूँ कि पंखा एक लगा दो, पेडिस्टल फैन नहीं तो को भी जो भी है वॉल माउंटिंग फैन जो भी है एक ले दो करके, तो जैसे भी इस बार तो लाना ही पड़ेगा। चलिए फिर सब्जी तो सिम में बनी रहा है, फ्राई वाला आइटम है तो थोड़ा सा सिम में बनी रहा है। एंड चलिए तब तक मैं दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ। यहाँ देखिए ना ऊपर देखिए पंखा नहीं है तो गर्मी बहुत हो रहा है, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी तो बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी रहता है जो कि बिना पंखे से होता नहीं है। तो हल्का यहाँ डाइनिंग एरिया का जो पंखा है ना फ्रेंड, ये वाला पंखा, यहाँ का हवा तो आता रहता है तो हल्का सा, लेकिन फिर भी स्टिल तो ज़रूरत है ही है। तो चलिए फिर मैं दूसरा काम थोड़ा निपटा देती हूँ, वो तो थोड़ा सीम में बन ही रहा है एंड मैं थोड़ा बाकी काम निपटा देती हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को पहले दिखाई, बहुत सारा काम मेरा हो चुका है एंड अभी मेरा पूजा वूजा सब कम्प्लीट हो चुका है। एंड आज एक खास दिन है फ्रेंड, आज है चैत्र नवरात्र का पहला दिन एंड हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोग को हिंदू नववर्ष एंड चैत्र नवरात्र का हार्दिक शुभकामनाएं एंड कल से रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी मेरा मुस्लिम फ्रेंड है तो उन लोगों को हैप्पी रमज़ान। एंड चलिए फिर आप लोगों को दिखाई, खाना भी मेरा ऑलरेडी बन रहा है एंड थोड़ा सा बस सब्जी बिठाई थी एंड थोड़ा सा बाहर आई थी तो कपड़ा लेने के लिए आई थी। एक्चुअली फ्रेंड मैं ना उपवास रखती नहीं हूँ, बहुत सारे फ्रेंड मेरे नवरात्र का 9 दिन का उपवास रखते हैं, कोई कोई लोग 3 दिन का भी रखते हैं, कोई कोई लोग
नौ दिन का भी रखते हैं एंड, लेकिन मैं तो उपवास नहीं रखती हूँ, लेकिन पूजा वूजा करती हूँ। तो मेरा पूजा वूजा हो गया है, माता के पास कलश वलश भी बिठाती हूँ एंड जोत वोत जलाती हूँ एंड चलिए शाम को हो सके तो फिर मंदिर भी जाऊँगी एंड मंदिर जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। एंड चलिए मैं मेरा सब्जी देख लेती हूँ, सब्जी बिठा के आई थी, थोड़ा सा सिम में बिठाने के लिए बिठा के रखी थी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, बाहर तो बहुत गर्मी हो रहा है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा सोयाबीन कैप्सिकम बन गया था, लास्टली मैं उसमें टमाटर केचप थोड़ा सा ऐड कर दी थी एंड ये देखिए मेरा पूरा खाना बन गया था। ये रहा दाल, सेमी का सब्जी एंड सोयाबीन कैप्सिकम एंड ये मैं खाना निकाल रही हूँ। एंड चलिए फिर हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं एंड मैं मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करी एंड उसके बाद मैं देखिए कपड़ा प्रेस कर रही हूँ एंड ये संजू के साथ बात करते करते मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी तो संजू मेरे को चिढ़ा रहे थे कि जला ना दे करके, तो मैं नहीं जलाऊंगी आप देखो बोल के बोल रही थी। कोविड के पहले ना फ्रेंड हम लोग कपड़ा प्रेस करने के लिए देते थे, आफ्टर कोविड हम लोग घर में प्रेस कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र था एंड हिंदू नववर्ष था तो इसीलिए मैं गाजर हलवा बनाई थी, क्योंकि मुँह तो मीठा करना बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी थी एंड ये बन गया मेरा गाजर हलवा एंड यहाँ मैं संजू के लिए एंड मेरे लिए निकाल रही थी, ये देखिए। चलिए फिर गाजर हलवा एंजॉय करते हैं। ये देखिए गाजर हलवा। चैत्र नवरात्र था तो इसीलिए हम लोग शाम को मंदिर आए थे, ये देखिए। एंड आप लोग भी माता को दर्शन करिए, जय माता दी। माता के मंदिर के साइड में ये देखिए बजरंगबली जी का एंड शिवजी का मंदिर है। मंदिर में थोड़ी देर बैठते हैं बोलते हैं तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं मंदिर में। अच्छा लगता है मंदिर में आओ तो ऐसे। हम लोग अभी मंदिर से घर निकल रहे हैं, जा रहे हैं पीछे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर ये वाला ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।